to breathe, but that's alright. Hush. लेंस की अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूं, उसका पूरा रिव्यू दूंगा मैं आपको, पूरा बताऊंगा उसमें क्या क्या अच्छी बातें हैं, क्या क्या बुरी बातें हैं, और अगर कुछ होगा प्रॉब्लम तो मैं आपको उसके बारे में भी आगे डिटेल में बता दूंगा। तो वीडियो में बने रहिए, एंड जो मेरे चैनल पर पहली बार आया वो मेक श्योर सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को, और बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस करना, जिससे कि मेरी सारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, क्योंकि मेरे चैनल पे मैं हमेशा जेन्युइन कंटेंट ही लेके आता हूं। तो चलते अपनी वीडियो। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा पैकेज, और हमने यहाँ नाइफ भी ले रखा है, और हम अभी से करेंगे अनबॉक्सिंग, यहाँ से हम काटेंगे। एंड गाइज मैं आपको एक बोनस टिप भी देना चाहूंगा, अगर आप कोई भी ऑर्डर परचेस करते हो अमेजोन फ्लिपकार्ट या कहीं से भी, तो आपको उसके कैमरे के सामने ही खोलना चाहिए, वरना उसमें क्या अंदर प्रॉब्लम हो सकती है वो आप भी जान सकते हो। देख सकते हैं ये गाइज हमारा ये प्रोडक्ट है, अब हम इसे और ज्यादा अनबॉक्सिंग करते हैं, यानी और ज्यादा खोलते हैं। तो ये आ गया हमारा लेंस, और ये कपड़ा दे रखा है जिससे कि हम इसके अंदर डाल सकते हैं लेंस को, और इसी से पोंछ भी सकते हैं। एंड ये रहा हमारा मेन पार्ट लेंस का, और ये पीछे एक ढक्कन लगा हुआ है जिसको हम खोल के अपने लेंस को बाहर निकाल सकते हैं। और ये रहा हमारा लेंस, देख सकते हैं मैक्रो और माइक्रो लेंस होता है, ये भी खुल जाएगा देख सकते हैं, अभी खोल देता हूँ इसको मैं। और ये आ गया हमारा लेंस, ये एक भाग है लेंस का, और इसको हम अभी अभी इस कपड़े पे रखते हैं। एंड अब खोलते हैं अब अपने मेन लेंस को। खुल जाओ भाई, देखिएगा ये खुल चुका है हमारा मेन लेंस, और ये ऐसे पैक हो जाएगा ऐसे, हाँ कैसे भी लग जाएगा ये लेंस ऐसे। और इसको हम फोन पे कैसे लगाना है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। एंड जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम ये वाला फोन ले लेते हैं, ये इसका फ्रंट कैमरा ये वाला, और हमें यहाँ पे लगाना है। तो सबसे पहले इसे हम ये क्लिप दे रखे होंगे इसके साथ, और इस क्लिप को हमें एकदम सेंटर पे लगानी है ऐसे ऐसे। एंड अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका नीचे का हिस्सा लेना है, और इसको यहाँ पे घुमाना है जिससे कि आराम से एडजस्ट हो सके। ये देख लेना आप कैसे उल्टा करना है सीधा करना है, तो ये ऐसे एडजस्ट हो जाएगा। एंड इसके ऊपर वाला भी ऐसे ही लगाना है, आवाज़ भी आ रही है आपको। एंड देन इसके बाद ये लेंस एकदम कम्प्लीटली लग जाएगा, एंड देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है लेंस। और बैक कैमरे में भी इसको ऐसे ही प्यार से ऐसे लगा देना जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा कैमरा अंदर। तो अब ये लेंस बहुत अच्छा काम करता है, यहाँ आपको दिखा देता हूँ जूम करके थोड़ा सा, देख सकते हैं इस पर क्या लिखा हुआ है, 0.45x सुपर वाइड एंगल लेंस। एंड नीचे वाला मैक्रो लेंस है, मैं आपको बता देता हूँ ये दोनों लेंस ही बहुत अच्छे हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं। और एंड जब हम इसको अच्छे से यूज़ करेंगे कुछ दिनों तक, तो मैं आपको इसका एक रिज़ल्ट भी बताऊंगा कि इस लेंस ने इतना ज़्यादा क्या कमाल करा है मेरे साथ। और इसको अभी अभी हमने मंगाया है फ्लिपकार्ट की मदद से, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, वहाँ से जाके आप इसको बाय कर सकते हैं। बहुत ही इसका अच्छा प्राइस है, प्राइस के हिसाब से थोड़ा आपको लगेगा कॉस्टली, लेकिन ये जो आप यूज़ करोगे वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। और देख सकते हैं आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इस लिंक को चेक करिए, और उसको वहाँ से बाय कर सकते हैं। देख सकते हैं इस लेंस, इसको देखिए भारी भी है ये, देख सकते हैं। एंड इसका डब्बा भी दिखा देता हूँ मैं आपको, देख इसको मोबाइल फ़ोन से ही फोकस करना, क्योंकि ये ऐसे ऐसे फोकस नहीं होगा, तो समझ सकते हैं आप गाइस। एंड अब इसका मैं आपको दिखाऊंगा कुछ क्लिप्स, इसकी कुछ फोटोग्राफी दिखाऊंगा मैं आपको इस लेंस से खींची गई। एंड गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर लाइक करना मत भूलना, एक कमेंट दे देना अपना प्यारा सा आपको कैसी लगी ये लेंस। अगर आपको लेंस में कोई प्रॉब्लम आती है वो मैं आपको आगे आने वाले टाइम पे बता दूंगा इस लेंस में आगे कोई प्रॉब्लम आई या नहीं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक वाली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।